everybody and welcome back to my channel. Welcome to this brand new video. Today in this video we are going to react to another video posted by Angry Press few times back. Today in this video we are going to react to Angry Press The Twist episode 5. I have reacted to episode 3 and 4. You can check that out too in my channel, or link will be there in the description box. The video we are watching is Twist episode 5, Anti-Science by Angry Press. Let's jump into the video and let's watch it together, and let's react to Angry Press The Twist episode 5. Let's go. The video is titled The Twist episode 5, Anti-Science by Angry Press. Let's jump into the video without any further ado. So let's play the video in 3, 2, 1. Oh, race 3. They are watching race 3. Nice. Newton is watching race 3. Oh man, you have done a good job here. It's a very long video, so I'll not speak that much. Okay, I'll not pause the video. Gravity ke khilaf hai. Isne to sare physics ke law ko line mein khada karke mari hai. Halo halo pencil glass. Sir, mujhe lagta hai. Oh, sir. Okay. Pasand karta hoga. Waha gravity sirf 16% hoti hai. Acha, chand pe oxygen kaise aayega? Tera baap baat ke jayega. Ye kya pura time aasta rehta hai be? Sir, mujhe lagta hai ki Salman insaan nahi, robot hai. Kyun? Kyunki movie ho ya real life, uske actions pe koi law kaam hi nahi karta. The Twist episode 5. Nagu bhai, Karina virus ke test ke liye aapko behosh karna padega. Kyun? Bhai, aapko dard hoga. Are chao meow ki mohabbat ne mujhe ek baat sikhayi. Oh, chao meow. Ke dard hi dard ki sabse badi dawai hai. Wah. Us anmari mein padi ek razai hai. Wah wah. Wah wah, kya bhosari ke razai leke aayi hai. Haan, abhi lata hu. Ye lo, ho gaya. Abhi karu test. Kar, tere ko jo karna hai. Karina virus. Abhe, ye kya hai? भाई फेफड़ा खोलना पड़ेगा ना वायरस चेक करने के लिए. रघु भाई, ये किसका पार्सल है? करीना वायरस का एंटीडोट. भाई क्या है पार्सल में? करीना वायरस का एंटीडोट. और साथ में एक चिट्ठी भी है. आप मेरे द्रोणाचार्य और मैं आपका एकलव्य. मैंने अपनी जिंदगी में जो भी सिखा है आपको इंस्टाग्राम पे देखते हुए सिखा है. इसलिए मैंने जो ये करीना वायरस की दवाई बनाई है मैं आपको तोहफे में दे रहा हूँ. आपका एकलव्य. किसी एकलव्य ने एंटीडोट भेजा है. अपने हॉस्पिटल में डॉक्टर द्रोणाचार्य नाम का इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर कौन है? इंस्टाग्राम वाले का नाम शायद द्रोणाचार्य है. जाने दे, अपने को क्या है, एंटीडोट तो मिल गया. अब हम नागू को बचा सकते. मजनू, ये गाय कैसी छूट गई? में बोला था ना बाहर नहीं आने का. मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे रिपोर्टर दोस्त भी है. ए न्यूज़ वालों, तुम लोगों को दूसरे की लाइफ में नाक घुसाने के अलावा कोई और काम करना नहीं है. नहीं, घुसाने से टीआरपी मिलती है. क्या नाक? अच्छा, कुछ नहीं. तो मैंने आपको बात करते हुए सुना है कि आपके हाथ में करीना वायरस का एंटीडोट है. तुम्हें क्या गाय टीवी लाइव? तो आखिरकार मशहूर डॉक्टर प्रैश और मजनू ने करीना वायरस का एंटीडोट ढूंढ लिया है. जिस चीज का इंतजार दुनिया महीनों से कर रही थी वो चीज आखिरकार मिल गई है. अब ये देखना है कि ये दवाई काम करती है या नहीं. जानने के लिए देखते रहिए देश का नंबर वन न्यूज चैनल गाय टीवी. हेलो मोदी जी. ओह माय गॉड. डोलान जी. डोलान साहब, पहले हमें एंटीडोट देंगे. अरे हमें भी इस बात की कोई खबर नहीं है डोलान जी. डोनाल्ड ट्रंप नाम है मेरा. ये मोदी तो मेरा भाई है, पहले एंटीडोट मुझे देगा. वाह, इंडिया को एंटीडोट मिल गया. चा चा को चका पो को चका. ये खबर सबसे पहले. अबे ये बंद करो, ये सब पहले चेक तो करने दो. खनेला. ये लो भाई. नागू. ए नागू, तेरी बहन का बोल क्या है? मुंह खोल. ये अचानक नशा क्यों हो रहा है मेरे को? भाई इधर लाओ, ये तो अल्कोहल सैनिटाइजर है. क्या क्या? तो देखा आपने कैसे इन दो चूतियों ने मिलकर पूरी दुनिया का चूजा काटा है. ये लोग पेशेंट को एंटीडोट बोल के सैनिटाइजर पिलाते हैं. इससे ये बात साबित हो चुकी है कि ये लोग झूठे हैं. इन्होंने कोई इन्वेंशन नहीं किया है, एकदम नल्ले लोग हैं ये. अरे मेरा एंटीडोट नहीं है ये. देखा अभी भी झूठ बोल रहा है. शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं बची. मजनू इनको बाहर निकाल. ए, निकलो यहाँ से. रियली नाइस. कर रहा है का है का है? मजनू ये एकलव्य कौन है पता लगा? साला झूठा एंटीवायरस भेजता है. हेलो लंगड़ा भाई, ये एकलव्य कौन है पता लगा? गेम बजाना है क्या? गेम बजाना है. जाना पड़ेगा भाई. एकलव्य तो महाभारत में मिलेगा. कहा ये महाभारत कुछ? हाँ ये महाभारत. ओ दे विल डू टाइम ट्रैवल और व्हाट? क्या भाई, वो तो हो गया हजारों साल पहले. क्या ये क्या हो रहा है? और गर्मी क्यों बढ़ रही इतनी अचानक? एसी लगा? हाँ भाई. आइंस्टाइन. यस बॉस. काम कैसे चल रहा है? एकदम फर्स्ट क्लास बॉस. आइंस्टाइन, न्यूटन एंड स्टीफन हॉकिंग. स्टीफन को देख के आता हूं. बॉस क्या आपका मेरे रिलेटिविटी इक्वेशन के बारे में क्या कहना है? अच्छा वो
वालों ने एरोप्लेन से टाइम ट्रैवल करके तेरी इक्वेशन की पुड़िया बना के तेरे ही पिछवाड़े के ब्लैक होल में घुसा दी। E=mc² बराबर Einstein=motherfuck वो भी दो बार। काम कर अपना। हेलो स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग नाम छोड़ काम पे ध्यान दे। मिसाइल लग गई चारों तरफ। यस सर। शाबाश। ओ माय गॉड। हेलो मजनू न्यूज चैनल लगा? हां भाई। तो जिन डॉक्टरों को हम हीरो मानते थे वो तो बिल्कुल जीरो निकले। रूपाही चट्टी। भावेन जनरल हॉस्पिटल के सामने हजारों लोगों की भीड़ लगी है। प्रयास मजनू हाय हाय। प्रयास मजनू हाय हाय। गुस्से में लग रहे हैं लोग। एक मिनट। हेलो क्या? अभी अभी नासा से एक खबर आई है कि पृथ्वी की तरफ एक एस्ट्रॉइड बहुत तेजी से आ रहा है जिसे रोकना अब नामुमकिन लग रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एस्ट्रॉइड इंडिया के पास ही गिरेगा। कहा ये अभी तक पता नहीं चला है। अरे यार ये क्या हो रहा है दुनिया में? मैं बताती हूँ। ये तो प्लेन वाली बुढ़िया है। क्या काम है? मुझे पता है कि ये सब कौन कर रहा है। क्या कौन? जब तुम लोग ब्लैक होल से टाइम ट्रैवल करके 1672 में गए थे तब मैं भी थी उस प्लेन में तुम लोगों के साथ। फिर मैंने देखा आप लोग न्यूटन से कुछ बात कर रहे थे। फिर न्यूटन एप्पल की जगह नारियल के पेड़ के नीचे बैठ के हिलाने लगा। उसने लाइफ में फर्स्ट टाइम हस्त मैथुन की अंतिम चरम सीमा पार कर दी थी। जब उसको मजा आया तो उसे लगा कि कोई इन्वेंशन है तो उसने लॉ ऑफ मस्टरबेशन का बुक लिख दिया और उसे पब्लिश भी कर दिया। तब गांव वालों ने उसे बच्चों को गलत शिक्षा देने के जुर्म में गांव से निकाल दिया। मैं ये सब देख रही थी। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। फिर मैं उसके पास गई। मैंने उसको पूछा क्या हुआ। वो बोला मुझे तुम दोनों से बदला लेना है। फिर मैंने उसको बोला मैं तुम्हें 2020 में लेके जा सकती हूँ क्योंकि मैं एक एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ। मुझे लगा अब वो नहीं आएगा लेकिन वो 20th century से आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग के वापस आया। फिर जाके उसने हमें उसका मास्टर प्लान बताया। मिसेस वर्मा आपने सैनिटाइजर वाला एंटीडोट उन दोनों को भेज दिया? यस सर। शाबाश। अब दुनिया को पता चलेगा वो लोग सच अ गुड स्क्रिप्ट और मक्कार है। चलो एक काम तो हो गया। ही हैज डन अ ग्रेट जॉब इन स्क्रिप्टिंग। दोस्तों 20th century के लोगों को हमने साइंस सिखाया तो इन लोगों ने साइंस का इस्तेमाल करके दुनिया की वाट लगा दी। बाहर देखो बाहर कितना पोल्यूशन हो गया है। हमारे जमाने में जितने पेड़ हुआ करते थे उसके 10% पेड़ भी नहीं बचे अभी। हमारे जमाने में जितने हुआ करते थे उसके 5% भी नहीं बचे अभी तक। पृथ्वी को बाप का घर समझ के रखा है इन लोगों ने। हमने साइंस को लोगों की भलाई के लिए बनाया था लेकिन इन चूतियों ने उसका गलत इस्तेमाल किया है। ये भड़वे लोग साइंस के लायक नहीं है। हम बताएंगे वो कैसे। ये एंग्री लैंड उन दो लंबी यहाँ पे एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी है। हम दिनों का मिलके 450 IQ होता है और इसका 460। हम अपने अर्थ की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके स्पेस से एक एस्ट्रॉइड बुलाएंगे और पूरा एंग्री लैंड दबा कर देंगे। ओह माय गॉड। अरे दुनिया को बड़ा सबक सिखाने के लिए हमें ये छोटी कुर्बानी देनी पड़ेगी। लेकिन कह दिया ना बस कह दिया। ओह माय गॉड। उसका इरादा अच्छा है लेकिन तरीका गलत है। फिर मुझे लगा कि तुम दोनों ही कुछ कर सकते हो इसके बारे में तो मैं तुम्हें बताने यहाँ मुंबई आ गई। मुझे न्यूटन के इरादों के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। तुम्हें अपने एंग्री लैंड और वहाँ के लोगों को बचाना पड़ेगा। ए न्यूटिया। अरे कब पीछा छोड़ेगा तू मेरा? अभी नहीं छोड़ूंगा मैं उसको। नहीं क्या प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों का? तुझे पता है मैं लाइफ में सिर्फ 5 साल खुश रहा। पता है क्यों? क्योंकि 5 साल मेरी लाइफ में एक चीज नहीं थी, साइंस। सपोर्टिंग करने के बाद स्कूल गया। पहले ही क्लास के पहले 5 मिनट में मुझे ये पता चला इंसान का शरीर शरीर नहीं मशीन है। ये सुनकर तो मेरी गोटियों ने लटक कर आत्महत्या कर दी। मैं सोचने लगा मेरे माँ बाप ने मुझ पर इतना अत्याचार क्यों किया, मुझे वो पड़ोस वाले बंटी जैसा चिकना क्यों नहीं बनाया। ये सब सोचते सोचते चैप्टर खत्म हो गया। मैडम बोली मैं कल सबको आज के चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछूंगी। मैं डर गया, घर जाके साइंस का पुस्तक खोला, उसने मेरा दिमाग खोल दिया। दूसरे दिन स्कूल पहुंचा तो मैडम ने पूछा हमारे शरीर की 5 इंद्रियां कौन सी होती है, हाथ लगा के बताओ। अभी ये इंद्रियां सब तो लाइफ में अपन ने फर्स्ट टाइम सुना था। मेरे को लगा ये इंद्रियां वही चीज होगी जो हम किसी को दिखाते नहीं छुपा के रखते। तो मैंने क्लास में सबके सामने अपना नुनू पकड़ लिया। काफी बड़ा सिक्स सेंस है आपका। चलो जैसे तैसे करके निकाल लिया। 12th में साइंस के बड़े बड़े इक्वेशन का अत्याचार मेरा नुनू झेल नहीं पाया, फेल हो गया। पूरा का पूरा एंग्री लैंड मुझे ऐसे देख रहा था जैसे न्यूटन चाचा लगता है इनका। तभी मुझे लगा कि मुझे साइंस छोड़ देना चाहिए। लेकिन बाहर खिड़की से मैंने सोसाइटी में झाक कर देखा तो पड़ोस वाले बंटी को आर्ट्स लेने पर जूते चप्पलों से स्वागत किया जा रहा था। सोसाइटी के चक्कर में मैं फिर से साइंस में गया जिसका नाम था इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में जाने के बाद मुझे पता चला कि कुछ सैकड़ों साल पहले कुछ हरामखोर सन की
किसी बुड्ढो ने कुछ किताबें लिख के रखी थी जिसका बोझ आज करोड़ों मासूम बच्चों के नुन्नू को उठाना पड़ता है, और उसी दिन मैंने ठान लिया कि मैं लूंगा उन करोड़ों मासूम नुन्नुओं का बदला। अगर न्यूटन ने ग्रेविटी डिस्कवर नहीं किया होता तो हम क्या हवा में उड़ते? वो बॉटल ओपनर ने न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाया होता तो जापान अमेरिका के गोद में जाकर बैठता है ना। रॉबर्ट ओपनहाइमर नाम है उसका। शराब। अरे वो आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी इक्वेशन नहीं बनाया होता तो धरती पे 70,000 एटम बम नहीं होते, पता है? फिर मैंने ठान लिया, मैंने मेहनत की, डिप्लोमा से लेकर इंजीनियरिंग तक 4-5 साल एग्जाम के अगली रात 4 घंटे पढ़ाई करने के बाद का बोर्ड रिपेयरिंग का काम मिला, जहाँ खिड़की के सामने एक डॉक्टर बंडलों में नोट गिन रहा था। तब मैंने एक लॉ डिस्कवर किया, ये लॉ साइंस के सारे लॉ के खिलाफ था। हम मैकेनिकल इंजीनियर्स ने मिलकर साइंस के लॉ के खिलाफ जाकर डॉक्टर बनकर लोगों की जान बचाई है। कल एक बच्चा आया था, बोलता है मेरे को मकड़ी ने काटा, मैं मर जाऊंगा। मैंने उसी काटी हुई जगह पे और 10 नस्ल की मकड़ियों को कटवाया, वो बच्चा स्पाइडरमैन बन गया। हमने एक इलेक्ट्रिशियन को थॉर बनाया, पुलिस ऑफिसर को आयरन मैन बनाया, सिर्फ एक लॉ की मदद से। लॉ ऑफ इनवर्स साइंस। डार्क मैटर क्या होता है पता है? भाई आपको क्या लगता है, आप ये सब बकचोदी झाड़ोगे और ऑडियंस मान लेगी? अरे कल दिमाग का भोसड़ा कर दिया है। मैं साइंस को छोड़ दूं लेकिन साइंस मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ता। जैसे ये 3 रनवे भड़वे भोपाड़ी के, भूतकाल से वर्तमान काल आ गए मेरा सर खाने, नहीं छोड़ूंगा। वो लोग साइंस के बाप है तो साइंस के बाप है। बस एक बार प्रैश नागू, क्या हुआ प्रैश? मुझे कुछ हो रहा है प्रैश। मुझे उस प्लेन में लगा था कि ये टेररिस्ट है, इसलिए न्यूटन के कहने पर मैंने एंटीडोट में जहर मिला दिया था। ओह माय गॉड नागू, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। क्या नागू कैन नॉट डाई? बात कर मेरे से। भाई हमने उसे पूरा बॉटल पिलाया। प्रैश मुझे बचा लो, तुम दोनों डॉक्टर हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। नहीं नहीं नहीं, हम डॉक्टर नहीं है, मजनू डॉक्टर को बुला। भाई सारे मैकेनिकल इंजीनियर भरे पड़े हॉस्पिटल में। नागू मज। हाँ भाई मैं हूँ, इधर बोलो बोलो। दारू दारू। नागू क्या हुआ, क्या हुआ नागू, बात कर। नागू डाइड। ओह नो, चलना दारू पीने जाते हैं। ए नागू चल उठ, अभी मत मजाक मत कर, चल उठ उठ नागू, उठ नागू। द कैरेक्टर कैन नॉट डाई, कम ऑन एंग्री प्रेस। नागू कैन नॉट डाई मैन, मुझे माफ कर दीजिए। कसम नागू की अगर नागू वापस नहीं आता तो इस दुनिया से एक एक करके सारे साइंटिस्ट खत्म कर दूंगा मैं, सारे स्कूल और कॉलेजेस को आग लगा दूंगा। बचपन में साइंस में फेल हो गया तो किसी ने इज्जत नहीं की मेरी, आज उसी साइंस ने मेरा दोस्त छीन लिया मेरे से। अब मैं उस न्यूटा को नहीं छोड़ूंगा, नहीं उन भड़वे साइंटिस्ट को अपना लॉ याद दिलाया तो नाम का प्रैश नहीं। मैं कहाँ मिलेंगे ये लोग? एंग्री लैंड ज्वालामुखी के पास। मजनू अपने सारे पेशेंट को कॉल लगा। हेलो एंग्री एंजर्स। एंग्री एंजर्स, ओह दैट्स श्रीलंका। ओह एवेंजर्स बिल्डिंग। शक्तिमान। नाइस मैन, नीट लीडर, नीट लीडर। शक्तिमान इज फ्लाइंग। स्पाइडरमैन, बैटमैन। आयरन मैन। हेलो स्टीफन हॉकिंग, वो पंछियों को गिरा दे। यस बॉस। Thor and Iron Man. No, all the Avengers died. भाई हम लोग तो फोकट में खर्चा कर रहे हैं इन बकरियों पे, पता है? नहीं मजनू, हमने इन्हें यूनिवर्स साइंस से बनाया है, इन्हें भी एक दिन अपनी शक्तियों का एहसास हो जाएगा। शक्तिमान। अरे रे, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे शक्तिमान आप वापस आ गए। वो छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम लोग? खेलो खेलो, लेकिन एक बात याद रखना, गुटखा खाना और बालों में लगाना दोनों बुरी बातें। सॉरी शक्तिमान। भाई सॉरी शक्तिमान। वो देख, वो मशीन का इस्तेमाल करके वो एस्ट्रॉइड बुला रहा है, हमें उस मशीन को फोड़ना पड़ेगा। हाँ भाई, प्लेन एक्टिवेट द सुपर पायलट मोड। ओ ड्रोन। आइंस्टाइन वो प्लेन को उड़ा दे। यस सर। मजनू प्लेन घुमा, प्लेन घुमा। ओ नो। अरे ये क्या हो रहा है? शक्तिमान विल सेव अस। अब चेन से मरूंगा। What happened? The Angry Land got destroyed. No. And Nagu died, man. Nagu should not die. No. But nothing happened.
just happened. No, Agriland got destroyed. Oh no. I think they will time travel again. I have got no idea what's going on where. To be continued. Well guys, that was part 5 of the twist. Anti-Science by Angry Press. It was such a great video, man. The script was really, really, really well written and he delivered it very well. The story is going on in such a great flow. If you haven't watched the series, the Twitch series by Angry Press, please go and check the whole series from episode 1 to 5. I have reacted 3, 4 and now I'm reacting episode 5. Link will be there in the description for Twist 3 and 4. With that said, yeah, that was my reaction to the Twist episode 5. Hopefully you guys enjoyed the video. If you did, then give the video a thumbs up. If you are new to the channel, consider subscribing and hit the bell icon so that you'll be notified whenever I upload next. With that said, that will be it for today's video. See you in the next video really, really soon. Stay home, stay safe, avoid the lockdown. Peace.